अब देखो गाइस, आईपीएल 2024 के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन होने वाला है 19 दिसंबर को। और आईपीएल ऑक्शन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है पैसा। लेकिन किसी भी टीम के पास कुछ खास पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए आइए जानते हैं कि किस टीम के पास आखिर कितने पैसे बचे हैं। तो देखो, इस लिस्ट में सबसे नीचे है LSG जिनके पास सिर्फ 13.15 करोड़ रुपए बचे हैं। और इनसे ऊपर है राजस्थान रॉयल जिनके पास 14.5 करोड़ रुपए बचे हैं। पांच बार चैंपियन मुंबई इंडियन के पास 70.75 करोड़ रुपए बचे हैं। और अपने बॉलिंग अटैक से सबसे ज्यादा परेशान रहने वाले RCB के पास 23.25 करोड़ रुपए बचे हैं। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स आती है जिनके पास 28.95 करोड़ रुपए बचे हैं। और इसके ऊपर पंजाब की टीम आती है जिनके पास 29.1 करोड़ रुपए बचे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन CSK के पर्स में IPL ऑक्शन के लिए 31.4 करोड़ रुपए बचे हैं। इसके बाद आती है SRK की टीम। अब देखो, KKR के पास अपनी टीम पूरी करने के लिए 32.7 करोड़ रुपए बचे हैं। इसके बाद SRH की टीम है जिसके पास 34 करोड़ रुपए बचे हैं। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसे है गुजरात टाइटन के पास, क्योंकि इनके पास 38.15 करोड़ रुपए अपनी टीम पूरी करने के लिए।